एनएसबी पिक्चर जो कि आज के डेट में एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है और पसंद करता है। तो ये बंदा आज के टाइम में 4 चैनल ड्राइव कर रहा है प्लस 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स। इस पर वो बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक शेयर करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक बंदा इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रहा है, वो भी हर जगह। कंप्लीट एक हफ्ता चैनल को अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद फाइनली मुझे वो ट्रिक पता लगी एंड तब मुझे समझ आया दैट्स व्हाई ही ग्रोइंग ऑल ओवर। एंड ट्रस्ट मी, ट्रिक को अप्लाई किए बिना कभी ग्रो नहीं कर पाता एनएक्सबी पिक्चर। अब वो ट्रिक क्या है तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ओके, तो आपको लगता होगा कि एनएसबी पिक्चर का सबसे पहला चैनल यही है? इसका जवाब है नो। 2017 में भाई ने एक चैनल बनाया और उस पे मिलियन सब्सक्राइबर पार हुए एंड देन कुछ वीडियो पे भाई की कॉपीराइट स्ट्राइक आए एंड चैनल डिलीट। उसके बाद भाई थोड़ा सैड भी हो गया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि भाई ने हार नहीं मानी। उसके बाद भाई ने बनाया एक और चैनल और उसका नाम भी रखा एनएसबी पिक्चर एंड दिस इज द सेकंड चैनल ऑफ एनएसबी पिक्चर। पर वो सब तो ठीक है, फिर भी कोई बंदा इतना जल्दी ग्रो कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बंदा और है तौकीर एडिट, जिसको काफी लोग जानते होंगे। तो इस भाई का और एनएसबी पिक्चर का एनएसबी पिक्चर के चैनल पे ही एक पॉडकास्ट आया हुआ है जो कि ये वाला है, और इसको आप अगर एग्जैक्टली आप देखेंगे 2:55 पे तो एनएसबी पिक्चर ने खुद बताया कि वो उसके फैन थे, उसको खुद टैक्स करते थे। अब आप खुद देख सकते हैं जहां पे ये सारे यूट्यूबर्स एक साइड एंड ये बंदा एक साइड। कौन कैन मैच हिज लेवल, चाहे वो कॉन्टेंट हो या फिर एडिटिंग या फिर थंबनेल। वैसे थंबनेल से याद आया, थंबनेल पे मैंने भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना के डाली हुई है। अगर आपको थंबनेल बनाना सीखना है तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, काफी मजेदार चीजें बताई मैंने आपको इसमें। आप अपना थंबनेल इंप्रूव कर सकते हैं बहुत आसान टिप्स के साथ। जहां पे ये सब यूट्यूबर्स वही पुराने स्टाइल के थंबनेल, वही पुरानी एडिटिंग को लेके कंटिन्यू कर रहे थे, तो भाई ने कुछ नया ट्राई किया एंड रिजल्ट आपके सामने है। एंड दैट्स व्हाई भाई के न्यू चैनल ने भी इन सब को पीछे छोड़ दिया। अब सवाल ये आता है कि भाई ऐसे तो ये भी एडिटिंग के रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं और वही कंटेंट इनका भी रहता है, तो इसका भी जवाब है एक बड़ा सा नो। इसको आप ऐसे समझो, आपके पास एक शॉप है और उसमें जस्ट एक सामान मिलता है, और वह भी कभी मिलता है और कभी नहीं, और वहीं सामने वाले के पास 6 शॉप है और उसपे आपको जो भी चाहिए वही मिलेगा एनी टाइम जब भी आपको जरूरत हो। अब इस चीज से अंदाजा लगाओ कि कस्टमर कहाँ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि वो क्या ट्रिक है जिसको यूज करके भाई इतना ज्यादा ग्रो और इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुआ, एंड वो है उसकी कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी। भाई आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ये बंदा हर जगह आपको एक्टिव मिलेगा 110%। एंड दिस इज द मेन रीजन ही ग्रोइंग टू फास्ट, क्योंकि भाई जितनी वीडियो होंगी उतने व्यूज होंगे, और जितने व्यूज होंगे उतने सब्सक्राइबर होंगे, एंड जितने सब्सक्राइबर होंगे उतने पैसे होंगे, जितने पैसे होंगे उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो टू इम्प्रूव योर कॉन्टेंट। सो अगर आपको भी बहुत फास्ट ग्रो होना है, you need to focus on your consistency, because consistency is the key.